नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंह और एक बार फिर से मैं टेक दिस वीक यानी कि सप्ताह की बड़ी खबरें लेकर के आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीवो से। जैसा कि मालूम है, वीवो का डुअल पॉपअप कैमरे वाला फोन V17 Pro को लॉन्च किया जाना है। तो मैं आपको बता दूं, यह फोन जो है इंडिया में 20 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा और कंपनी ने इनवाइट भेज दिया है। रही बात स्पेसिफिकेशन और कीमत की, तो इस फोन में जो है आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 का चिपसेट, 8GB रैम और 128GB की मेमोरी। ये मैं लीक के अनुसार बता रहा हूँ। वहीं प्राइस की जब बात आती है तो यह फोन जो है 30,000 से कम के बजट में लॉन्च होगा। बैक पैनल में क्वाड कैमरा और फ्रंट में तो आप जानती हैं डुअल पॉपअप। वीवो के बाद जो दूसरी खबर है वो है सैमसंग से। अब तक आपने सैमसंग गैलेक्सी A50s और A30s की खबर जो है पढ़ ली होगी और हमने वीडियो भी बना दिया है, लेकिन मैं बता दूं कि सैमसंग जो है अब इससे कहीं बड़ा धमाका करने वाला है। जी हाँ, सैमसंग अपने 64 मेगापिक्सल कैमरे वाले फोन सैमसंग गैलेक्सी A70s को इंडिया में जो है वो लॉन्च करने को तैयार है। इस फोन का एक्सक्लूसिव फोटो जो है वो 91 मोबाइल्स ने लीक कर दिया है। रही बात प्राइस की, तो 32,000 के बजट में इसे लॉन्च किया जा सकता है और यह जो फोन है वो कुछ महीने पहले लॉन्च A70 का ही अपग्रेड वर्जन होगा। सैमसंग के बाद रुख करते हैं शाओमी की ओर। पिछले महीने कंपनी ने 64 मेगापिक्सल कैमरे के साथ Redmi Note 8 Pro को जो है चाइना में लॉन्च किया था, लेकिन अब कम रेंज में बड़े मेगापिक्सल की तैयारी कर रही है। खबर मिली है कि 1 अक्टूबर को चाइना में Redmi 8, Redmi 8A और Redmi 8 Pro को लॉन्च किया जा सकता है। और सबसे खास बात कि 8 Pro में जो है आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। एक पोस्टर लिख हुआ है जिसमें 4800 स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इससे आप सोच सकते हैं कि कंपनी जो है वो तैयारी कर ली है। शाओमी के बाद जो खबर है फिर शाओमी की ही है, लेकिन इस बार चाइना की नहीं बल्कि इंडिया से है। जी हाँ, 64 मेगापिक्सल कैमरे वाले Redmi Note 8 Pro को 16 अक्टूबर को इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। एक लीक में इस बात का खुलासा किया गया है और जो सबसे खास बात है यह कि इस फोन को जो है MediaTek G90T चिपसेट पे ही इंडिया में लाया जाएगा। 10 सितंबर को Apple 11 सीरीज को ग्लोबली लॉन्च कर दिया गया। अब इस फोन का इंतजार आपको इंडिया में होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 27 सितंबर को यह फोन जो है इंडिया में सेल के लिए उपलब्ध होगा। इसकी शुरुआती कीमत जो है वो है 64,900 रुपये और जो सबसे बड़ा मॉडल है उसके लिए आपको जो है 1,41,900 रुपये चुकाने होंगे। आपको प्राइस ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं, यह एप्पल है बॉस, तो प्राइस तो देना ही होगा। Vivo V17 जहां 30,000 के बजट का फोन होगा, वहीं कंपनी जो है वो कम कीमत वाले फोन की भी तैयारी कर रही है। जल्द ही Vivo U सीरीज में नया फोन ला सकता है और इसके तहत पहला फोन जो है U10 को लॉन्च किया जाएगा। इस फोन को 24 सितंबर को इंडिया में लॉन्च किया जाना है और कीमत जो है वो 10,000 रुपये से कम की होगी। रही बात स्पेसिफिकेशन की, तो अब तक ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह जो फोन है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट पे अवेलेबल होगा और इसको जो है वो अमेजन स्टोर से आप खरीद पाएंगे। ऑनलाइन में जहाँ सैमसंग ने गैलेक्सी A50s और A30s को लॉन्च कर दिया है, वहीं ऑनलाइन में गैलेक्सी M30s को लाने वाली है। 18 सितंबर को इस फोन को इंडिया में लॉन्च किया जाना है और इस फोन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है 6000mAh की बैटरी। इसके अलावा आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा। रही बात कीमत की, तो जहां तक हमें जानकारी है 15,000 से 20,000 के बजट में यह फोन इंडिया में उपलब्ध होगा। 64 मेगापिक्सल कैमरे वाले Realme XT को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है और इसका वीडियो भी हमारे वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपनी जो है वो कैमरे से आगे बढ़कर 5G की ओर रुख कर चुकी है। जी हाँ, कंपनी ने कहा है कि जल्द ही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 700 सीरीज पे जो है अपना नया 5G फोन लेकर के आने वाली है। यह फोन कब आएगा, किस प्राइस में होगा, इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन खुद क्वालकॉम ने बताया है कि सस्ता 5G चिपसेट का निर्माण जो है वो करने वाली है। तो चलिए, अब हमें इंतजार रहेगा सस्ते 5G फोन का। तो दोस्तों, यह था इस सप्ताह का टेक दिस वीक। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।